एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, आपने अपने हेयर को कैसे कर्ल किया नेचुरल तरीके से, और इसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है, ना ही इलेक्ट्रिक मशीन आपकी कुछ लगनी है, ना ही रोलर लगना है जो प्लास्टिक में मार्केट में मिलता है लकड़ी वाले वो वाले। इसमें सिर्फ आपको चाहिए पानी और कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी किस तरीके से आप अपने हेयर को कुछ इस तरीके से कर्ल कर सकते जा सकते। आप लोगों ने का रिक्वेस्ट की थी, नंदनी जी, राखी जी, सुमी की रसोई जी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था दी हेयर कल कैसे करिए, तो फाइनली मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद थोड़े थोड़े से सेक्शन लेके आपको ध्यान रखिएगा बीच से मांग नहीं निकालनी, साइड से निकालनी। अगर आप बीच से निकालेंगे ना तो आपके हेयर जो है थोड़े से चिपके चिपके बीच से दिखेंगे, तो साइड से निकालनी है। थोड़ा सा सेक्शन लेना है और थोड़ा सा पानी लगाना, कॉम करना, फिर आपको चोटी बनानी। चोटी आपकी जो है थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए और बाल जो है सूखे ना हो, उनमें हल्के हल्के से पानी लगने चाहिए, तभी आपके हेयर कल होंगे। और इसको जस्ट मैं एक घंटे तक रखी थी, एक घंटे के बाद मैंने खोल दिया था, क्योंकि मैंने उतनी समय में मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इनको रखने का। अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर जो काफ़ी देर तक टिके रहें तो आप 3 से 4 घंटे रख सकते हो, या बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा देर तक टिके रहे तो आप रात में करिए, सुबह खोल दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन मैं ले रही हूँ, कुछ मोटे कुछ पतले, ताकि अलग अलग तरीके का लुक आए और अलग तरीके से दिखे, और इस तरीके से अच्छा भी लगता है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं 5 यूट्यूबर का मेकअप लुक क्रिएट करूँ। जो यूट्यूबर आपको पसंद है, जिनका मेकअप आपको पसंद है, कमेंट करके उनका नाम मुझे बताइएगा, तो मैं उनका मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरीके का कुछ चाहिए वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं ये इस तरीके से थोड़े थोड़े सेक्शन ले रही हूँ, पहले मैंने पतले लिए, फिर मैं मोटे, फिर मैं उससे मोटे ले रही हूँ। सभी को मैं अच्छे से ही चोटी बना लूँगी, अच्छे से ही चोटी बना लूँगी। ध्यान रखिएगा, कॉम करते रहिएगा, वरना के बाल जो है ना उलझ जाएंगे। तो आप इजी तरीके से कर सकते हो, या आपके साथ कोई हो तो आप उनसे भी करवा सकते हो। तो सभी को हम इस तरीके से चोटियाँ बना लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं अच्छे से पूरी चोटी बना लूँगी, ठीक है। फटाफट से आपको बना लेना है। तो ये देखिए, सारी मेरी चोटी बन चुकी है, तो एक घंटे के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फटाफट से हम इनको खोल लेते हैं, तो सारे हेयर को एक एक करके हम अच्छे से खोल लेंगे अपनी सारी चोटियों को इस तरीके से। ये देखिए, तो इनको हम पीछे कर देते हैं साइड में इस तरीके से, और सभी को खोल लेते हैं अच्छे से। बहुत ही आराम से खुल जाता है, बस आपको क्या करना है, एक फिंगर इस तरीके से इसमें फंसाना है, ये देखिए, और फिर इसको इस तरीके से। चोटी तो वैसे सभी खोलना जानते हैं यार। तो गाइस, अगर आप लोग इस तरीके से कल करते हैं अपने हेयर को तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये ट्रिक ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इधर का भी कल खोल लेते हैं, तब फिर मैं आप लोगों से अच्छे से मिलती हूँ, दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए गाइस, किस तरीके से मैंने अपने हेयर को कर्ल कर लिया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा हेयर कर्ल हो गया। आप देख सकते हैं कुछ मोटे कुछ पतले आए हैं, ये वाले देखिए कितने ज़्यादा पतले हैं, और ये थोड़ा सा मोटा है, फिर उससे मोटा, मतलब कि सभी तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके।